तो गाइस सुमेरू इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड की ऑडिटर फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है अभी देखो पे कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे उसके बाद ही हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो गैस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोसीमेटली 9.55 पॉइंट लैक्स का इनकम जनरेट किया है और अगर यह दिसंबर 2022 ट्वेंटी की क्वार्टर एंड मार्च 2022 ट्वेंटी की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 ट्वेंटी के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्समेटली 9.15 पॉइंट लैक्स का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली टेन पॉइंट का इनकम तो मार्च 2023 ट्वेंटी के क्वार्टर में सुमेटो इंडस्ट्रीज ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली ट्वेल्व पॉइंट सेवन लैक्स का खर्चा किया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 5.16 का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 ट्वेंटी टू क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमेटली फाइव पॉइंट सेवन का खर्चा किया था तो अभी अगर यहां से इन तीनों क्वार्टर की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया है उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया मतलब March

3.78 लाख का लॉस पोस्ट किया है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने एप्रोक्सीमेटली 4 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने एप्रोक्सीमेटली 5.19 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है नेगेटिव 0.005 की एंड 2022 ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन की तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में सुमेडू इंडस्ट्रीज ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ ये सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़कर के बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड उसके ऊपर से कंपनी ने लॉस भी पोस्ट किया है मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में सो तो अभी अगर मार्च क्वार्टर लिख की रिजल्ट मतलब मार्च क्वार्टर लिख की रिजल्ट ओवरऑल कैसी है अगर उसके बारे में बात करें तो सुमेडु इंडस्ट्रीज ने मार्च ट्वेंटी के क्वार्टर में बहुत ही वीक परफॉर्म की है अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्समेटली 34.26 फोर लैक्स का इनकम जनरेट किया है और अगर ये एफ आई से कंपेयर किया जाए तो एफ वाई में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमटली ट्वेंटी एट का इनकम जनरेट किया था तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है अभी अगर एक्सपेंसिस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में इस कंपनी ने अप्रोक्सिमटली थर्टी टू का खर्चा किया है एंड एफ वाई में इस कंपनी ने अप्र...

पॉजिटिव में निकल के आ रही है, तो है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है लेकिन मार्च क्वार्टर लेके रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार निकल के आई है सो so कंपनी की जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड मिक्सड व्यूज है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी का रिजल्ट तो बढ़िया है लेकिन मार्च क्वार्टर लेके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा वीक है एंड इनफैक्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इस कंपनी ने लॉस भी दिया है सो मिक्सड व्यूज है इस कंपनी की ओवरऑल रिजल्ट को लेकर के मतलब दोनों रिजल्ट को अगर मिला के बात करो तो व्यूज है मतलब वीक साइड पे भी बोल सकते हो ठीक ठाक रिजल्ट भी बोल सकते हो मतलब मैटर करता है कि आप ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हो अगर आप लोग ज्यादा प्रायोरिटी फाइनेंशियल या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के रिजल्ट को दे रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है बाकी अगर ज्यादा प्रायोरिटी आप मार्च क्वार्टर लेकर रिजल्ट को दे रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि कंपनी थोड़ा सा वीक परफॉर्म की है यहाँ पे तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ